प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके प्रोग्राम अवर हीरोज में। आज भी एक रियल हीरो के बारे में। आपका मंथली टेस्ट हो गए? जी हो गए, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया। मेरा रिजल्ट तो आ गया, माशाल्लाह मेरी 74% बनी है। सिर्फ 74? ये तो बहुत ही कम परसेंटेज है। क्या हो गया, इतने अच्छे नंबर्स तो आए मेरे। मेरी तो हमेशा 94 ही बनती है और मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट ही आती हूँ। देख लीजिएगा, इस बार भी ऐसा ही होगा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन 74% को जितना आप खुश होकर बता रही हैं, मुझे इस पर हंसी आ गई। अभी आपको और भी मेहनत करनी चाहिए। आप तो कुछ ज्यादा ही उतरा रही हैं। आपकी परसेंटेज 50 से भी कम बने, अल्लाह करे आप फेल ही हो जाएं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप तो मुझे बदवा दे रही हैं। आप भी तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं तो आपको बदवा दूंगी, अल्लाह करे सफा फेल हो जाए। आमीन आमीन आमीन। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं घर जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। जाना है तो जाए। अब तो मैं अपने रिजल्ट के साथ ही आऊंगी। देख लीजिएगा, मेरी परसेंटेज 90 से भी ऊपर बनेगी। इसका मतलब आप कभी नहीं आएंगी। ये तो बहुत ही कम परसेंटेज है। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन 74% को जितना आप खुश होकर बता रही हैं, मुझे इस पर हंसी आ गई। फिल्म नूर है। सिर्फ 74? ये तो बहुत ही कम परसेंटेज है। अभी आपको और भी मेहनत करनी चाहिए। फिल्म नूर है, ये कल्ब की गिजा है, दिल इससे जिंदा है, ये रास्ता दिखाता है। हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है। बस भाई, क्या कर रही हैं आप? अभी नींद नहीं आ रही। आपने सोच रखा कि दुआ नहीं पड़ेगी, दुआ पढ़ने चलने नींद आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप दुआ पढ़ें, अगर फिर भी ना आए नींद तो आँखें बंद करके दो शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये कल्ब की गिज़ा है, दिल इससे जिंदा है, ये रास्ता दिखाता है। हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है। इल्म नूर है, इल्म नूर। क्या बात है कसवा, आजकल सफा नहीं आ रही। अब वो आएंगी भी नहीं। क्या मतलब? वो अभी उनके पेपर चल रहे हैं ना, तभी वो नहीं आ रहे। ये रास्ता दिखाता हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। जहाँ भी जाना हो तो घर में किसी बड़े को लेकर जाएं, बिल्कुल सफा की तरह, चाहे पड़ोस में क्यों नहीं जाना हो। चले सफा अंदर चले। फिल्म नूर है, फिल्म नूर है। कसवा ये देखे कौन आया है। अब आप क्यों आ गया, तो मेरे से नाराज थी ना। क्या हो गया कसवा, आप इनसे इस तरह की बात कर रही हैं? पहली बात कि मेहमानों से हमेशा इज्जत और नरमी से बात करनी चाहिए। दूसरी बात, सहेलियों से नाराज हो जाना, दोस्ती खत्म कर देना, बातचीत बंद कर देना बहुत बुरी बात है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इनसे इस तरह बात कर रही हैं? आप ही, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे नंबर देख के ये ऐसे इतरा रही थी जैसे इनका 100 नंबर आते हों। तो सब आपने ऐसा क्यों किया? आप ही सिर्फ मैं ये कह रही थी, मेरी परसेंटेज 90 से ऊपर ही बनती है। आप हंसने का भी तो बताएं ना, हंसकर आपने मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। वो तो इनके मार्क्स देखकर मेरी हंसी निकल गई थी। सफा दूसरों को खुद से कमतर समझना गुरूर की अलामत है, और अल्लाह पाक को जो चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, उनमें से एक गुरूर भी है। आपको इस तरह कसवा पर हंसकर इनकी दिलासारी नहीं करनी चाहिए थी। आप ही मुझे कसवा ने बदवा भी दी थी, अल्लाह करे मैं फेल हो जाऊं।
क्यों कसा? जब आप मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरे दिल से बदवाई निकलेगी ना। बस कर दे आप दोनों। कसवा, हमें किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए। खुदा ना हास्ता अगर वो बदुआ कबूल हो जाए तो हमारी वजह से किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। देखा जाए तो आप दोनों की ही गलती है। आप दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ कर दें और फिर से दोस्ती कर लें। आपस में लड़ना तो बहुत ही बुरी बात है। जी ठीक है आप ही सबा, मुझे माफ़ कर दें। आज के बाद मैं आपसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। मैं भी आपका कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। चले आप दोनों गले मिले। कल्ब की गिज़ा है, दिल हिस्से ज़िंदा। ये देखें मेरा रिजल्ट आ गया। दिखाएं दिखाएं। वाओ, आपकी तो 93% बनी है। शुक्र अल्लाह, आपकी बदवा कबूल नहीं हुई। फिल्म नूर है, फिल्म नूर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है, आ गया। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया।